Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the all use of as. So, let's start the class of the day. अगर हम बोलते हैं कि as black as coal, उतना काला जितना कोयला, as white as milk, उतना उजला जितना कि दूध, ये as adjective, फिर as, अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं as का, तो वहाँ पर समान गुण या अवगुण बताए जाते हैं वहाँ पर, ये negative में भी हो सकता है कि उतना काला नहीं जितना कोयला, not so black as coal, या not as black as coal, okay friends? अभी हम कुछ sentences बनाते हुए सबका एक-एक करके इस्तेमाल सीखेंगे। As dot 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 as का यानी कि as plus adjective plus as फिर object। फिर दूसरा है as या so plus adjective plus as plus object। तीसरा है as plus much plus as object plus others, okay friends? तीसरा है as plus many plus as plus object, okay friends? तो एक-एक करके हम सबका इस्तेमाल सीखते जाते हैं। सबसे पहले as plus adjective plus as का, हम किसी से किसी की समान गुण या अवगुण के बारे में बताते हैं, जैसे कि वह उतना ही काला है जितना कि मैं, he is as black as I, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। तुम उतने ही लंबे हो जितना कि मेरा भाई, यू आर एज टॉल एज माई ब्रदर, राधा उतनी ही तेज है जितनी कि उसकी बहन, राधा इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। हिंदी में हम बोलते वक्त ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि तुम मेरे जितने ही लंबे हो, यानी कि तुम उतने ही लंबे हो जितना कि मैं, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम मेरे जितना ही लंबे हो, वह कोयला के जितना काला है या वह उतना ही काला है जितना कि कोयला, इस तरह से भी हम हिंदी में बोल सकते हैं, ओके फ्रेंड्स? अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं कि तुम उतने होशियार नहीं हो जितना कि तुम्हारा भाई, यू आर नॉट as या so, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं as या so, तो you are not so clever as your brother, वह उतना धनी नहीं है जितना कि तुम्हारे पिताजी, he is not so या as rich as your father, वे लोग उतने गरीब नहीं हैं जितने कि तुम, they are not as poor या so poor as you, तुम मेरे भाई के जितना मजबूत नहीं हो, you are not as strong as my brother, हम as की जगह पर so लगाकर भी बना सकते हैं, you are not so strong as my brother, ध्यान रहे कि ये so का इस्तेमाल हम सिर्फ नेगेटिव में ही करेंगे, okay friends? कुत्ते उतने फुर्तीले नहीं होते हैं जितनी कि बिल्ली, डॉग्स आर नॉट सो एक्टिव एज कैट्स, बाघ उतना मजबूत नहीं होता जितना कि शेर, यानी कि बाघ शेर के जितना मजबूत नहीं होता है, टाइगर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज लायन, तो ये एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल था। अभी हम देखेंगे एज प्लस many plus as plus object का, okay friends? जैसे अगर हम कहते हैं कि तुम्हारे पास उतना ही पेन है जितना कि मेरे पास, यानी कि as plus many plus as का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम countable things की बात करते हैं, countable things यानी कि जिसकी हम गिनती करते हैं, okay friends? जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास उतना ही पेन है जितना कि तुम्हारे पास, I have as many pens as you, यहाँ पर हम
प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे, जो एज के बाद हम मेनी के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो प्लूरल में इस्तेमाल होगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास उतने खिलौने नहीं हैं जितने कि मेरे भाई के पास। आई हैव नॉट एज मैनी टॉयज एज माई ब्रदर। तुम्हारे पास उतने मोबाइल नहीं है जितने कि मेरे पास। यू हैव नॉट एज मैनी मोबाइल एज आई। तुम्हारे भाई के पास उतनी ही बाइक है जितना कि मेरे पिताजी के पास। योर ब्रदर हैज एज मैनी बाइक एज माई फादर। उसके पास उतने ही हथियार है जितने कि तुम लोगों के पास। ही हैज एज मैनी वेपन्स एज यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एज प्लस मैनी प्लस एज का। एज के बाद मैनी का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब मैनी के बाद काउंटेबल थिंग्स का चर्चा हो, यानी कि जैसे हमने पेन, बुक्स, मोबाइल, कार, ये सब की बात करते हैं तो एक काउंटेबल थिंग्स होगा और वहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एज मच एज का। एज मच एज का इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए करते हैं जो मात्रा में, यानी कि जो क्वांटिटी में दर्शाया जाता है, यानी कि जिसको हम गिनते नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कि मेरे पास उतना ही चावल है जितना तुम्हारे पास, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो चावल बोलने से ही पता चलता है कि अनकाउंटेबल थिंग्स की हम बात कर रहे हैं। हम चावल को गिनते नहीं हैं बल्कि वजन करते हैं, इसलिए यहाँ पर मच होगा। तो मेरे पास उतना ही चावल है जितना कि तुम्हारे पास। आई हैव एज मच राइस एज यू। उसके पास उतना ही तेल है जितना कि मेरे पास। ही हैज एज मच ऑयल एज आई। मेरे पास उतना ही दूध है जितना कि तुम्हारे पास। आई हैव एज मच मिल्क एज यू। उसके पास उतने ही धन है जितना कि तुम्हारे पास। ही हैज एज मच वेल्थ एज यू। उसके पास उतना सोना नहीं है जितना कि तुम्हारे पास। ही हैज नॉट एज मच गोल्ड एज यू। उसके पास उतना चांदी है जितना कि मेरे पास। ही हैज एज मच सिल्वर एज आई। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इन सेंटेंसेस को देखकर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का इस्तेमाल, एज मैनी एज का इस्तेमाल, एज मच एज का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करके बोलिए, बताइए कि क्या कन्फ्यूज़न है, हम जवाब ज़रूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक होने पर लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, और वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्तों तक शेयर किया कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके जिन्हें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।